योगी जी और अखिलेश जी, ये दो लोग चले आ रहे हैं बिना हेलमेट के। इनको पकड़ो और इनका चालान काटो। बिना हेलमेट वाली गाड़ी पे मुझे बिल्कुल भी छूट नहीं चाहिए। एक एक बंदे का चालान काटो जो भी यहाँ पर बिना हेलमेट के निकले। रोको भाई, रोको गाड़ी, रोको रोको रोको। अरे भाई, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? बिना हेलमेट के कहाँ जा रहे हो ये बताओ? और अपना प्रदूषण और इंश्योरेंस भी दिखाओ, देखूं अगर वो कागज पूरे नहीं होंगे तो उन पे भी चालान कटेगा। फिलहाल हेलमेट पे तो कटेगा ही कटेगा। अरे सर जी, मेरे ट्रैक्टर का अगले वाला टायर फट गया है। बोई लेने के लिए गया था, जल्दबाजी में हेलमेट लगाना भूल गया। आज माफ कर दो, आगे हेलमेट जरूर लगाऊंगा मैं। अरे मेरा ट्रैक्टर खड़ा पड़ा है, जल्दी छोड़ दो मुझे, जल्दी छोड़ दो। योगी जी और अखिलेश, मैंने तुमसे कह दिया कि कोई भी छूट नहीं चाहिए बिना हेलमेट वाले आदमी के। इनका चालान काटो। क्यों भाई, माना कि तुम्हारे ट्रैक्टर का अगले वाला टायर फट गया था तो तुमने इस मोटरसाइकिल में पेट्रोल तो डलवाया होगा। पेट्रोल डलवाना नहीं भूले, लेकिन हेलमेट भूल गए तुम, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो चल नहीं सकते। तो अब ध्यान रख लो, बिना हेलमेट के भी नहीं चल सकते। अब तुम्हें ध्यान रहेगा जब तुम्हारा चालान कट जाएगा। और अखिलेश, तुम खड़े खड़े क्या मुंह तक रहे हो? वो जो दूसरे भाई साहब खड़े हैं उनका भी चालान काटो, उनका भी हेलमेट नहीं है। अरे सर जी, बस आज छोड़ दो, इसके बाद मत छोड़ना। मेरा ट्रैक्टर बीच रोड में खड़ा है, बहुत तगड़ी जाम लग गई होगी। छोड़ दो, जल्दी पहुंच के मुझे टायर बदलवाना है, मुझे आज छोड़ दो बस। अरे सर जी, इनका तो कोई कागज है ही नहीं, ना इनका बीमा है, ना प्रदूषण है, और ना इन्होंने हेलमेट लगा रखा है। इनका क्या करें, आप ही बताओ। अखिलेश, इनकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लो, पकड़ लो। अरे ये तो बिना कागज के चल रहे हैं, ना प्रदूषण है, ना बीमा है, और हेलमेट भी नहीं लगाए। अरे कम से कम कुछ तो होना चाहिए था इनके पास। पूरी की पूरी गाड़ी पकड़ लो इनकी, जब तक ये सब चीज कंप्लीट ना करा ले तब तक देना मत इनकी मोटरसाइकिल। और भाई साहब, आपका चाहे ट्रैक्टर से जाम लगे या कुछ भी हो, आपका चालान कटेगा ही कटेगा। योगी जी, चालान काट के जल्दी खत्म करो। भाई साहब, मैं घर के कामों में इतना उलझा रहता हूँ, ना मैं प्रदूषण करा पाया, ना इंश्योरेंस करा पाया, और हेलमेट तो आज तक मैंने खरीदा ही नहीं। वैसे मेरी आज तक मोटरसाइकिल नहीं पकड़ी गई, आज ही पकड़ी गई है। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।